और तुहाडा धन्नवाद भी है इस वार दी गर्मी च तुसी सारे वड्डी तादाद इत्थे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस च शामिल होए हो। साथियों कल पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री जी वल्लों पंजाब दी विधानसभा च एक अहम फैसला लाया गया है जिहड़ा कि सर्वसांझी गुरबाणी नूं दुनिया के कोने कोने विच घर घर विच फ्री टू एयर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाउण दा जिहड़ा उपराला माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी वल्लों कल जिहड़ा कीता गया उहदे लई सब तो पहला तो मैं आम आदमी पार्टी वल्लों माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्नवाद करते हैं असीं कि करोड़ा करोड़ा लोगों दीआं भावनावां नूं महसूस करदे होए तर्जमानी करदे होए लंबे समय तो यह जिहड़ी मंग सी कि गुरबाणी अकाल पुरख की बाणी जिस तरह गुरु नानक साहब महाराज ने कहा सी सब तेरा ही तेरा लेकिन पिछले कुछ सालों च पंजाब च सत्ता च रही पार्टीज उन्होंने सर्वसांझी गुरबाणी नूं भी जिहड़ा संदेश दिंदी है सरबत दे भले का संदेश दिंदी है सर्वसांझी है जिहदे च गुरु नानक साहब ने तेरा तेरा का होका दिता है उस पवित्र बाणी नूं भी किस तरीके नाल कमर्शलाइज करके सब मेरा ही मेरा सब मेरा ही मेरा जिहड़ा आ ये हो रहा सी। इहदे नाल ना ते सिर्फ जिहड़ा गुरु साहिबाना का जिहड़ी फिलोसफी है जिहड़ा संदेश है उन्हां दा ये उहदे उल्ट जाके बिल्कुल उहदी विपरीत दिशा जाके एक ते उहनूं कमर्शलाइज किया दूजा उहनूं कंट्रोल करन दीआं जिहड़ीआं साजिशां कीतीआं जा रहीआं और भी अपने निजी हितां लई अपने निजी फाइनैंशियल फायदे लई और करोड़ां करोड़ां लोकां दीआं धार्मिक भावनावां नूं वरतदे होए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकण लई जिहड़ा आ इह गुरबाणी दा जिहड़ा इस तरीके नाल मैं तो इहनूं नहीं कहूंगा कि यह प्रसार प्रसार सी ते किते ना किते पूरे गुरबाणी गुरु साहब की बाणी के उल्ट जाके उन्हां दे सिद्धांतों के उल्ट जाके एक बहुत वड्डी कुताही की जा रही सी और मैं देख रहा अखे जी सानू एक सबूत दे दो जो मुख्यमंत्री जी वालों कल बिल पेश किया गया पंजाब की विधानसभा के जेडे पीटीसी के एक चैनल दे जेडे को इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सी गुरबाणी के प्रचार प्रसार के इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिहदी मनोपली सी जिन्हें ना सिर्फ अपना फाइनैंशियल फायदा लिया बल्कि एक परिवार की राजनीति चमकाने वास्ते धार्मिक भावनावां का फायदा भी लिया कई कई साल तो उन्होंने एम डी साहब कह रहे हैं अखे जी दसो सबूत दो कित्थे असी गुरबाणी नूं वेच रहे सी या उहदा कमर्शलाइज कर रहे सी। मैं एक तुहाडे सामने एक उन्होंने ऐड ही सुना दिना पहला फिर मैं एक चार्ट भी दूंगा एक ऐड पीटीसी की जिहड़ी उन्होंने वैबसाइट ते आ कि गुरबाणी नूं सुनन वास्ते पीटीसी का पैकेज लो और किस तरीके कमर्शलाइज किया तुसी सारे सत्कारयोग पत्रकार साहबान अपने चैनल पर भी सुन सकते हैं।
दोबारा सुना देना 99 रुपी। लाइट ऑन करके साडा माइक बंद है, लाइट ना होन करके एक एक जवाब ए। दूजा आ भी उन्हां दी वैबसाइट ते ही पए ही है चार्ट लिस्ट, जिहड़ा चैनल कह रहा ना असीं ते कमर्शलाइज कीता ही नहीं, असीं ते वेची नहीं गुरबाणी, असीं ते फ्री टू एयर है। उन्हां दा चार्ट है कंट्री वाइज चार्ट है, जिहदे च अल्बीनिया $53, $53.99 पर मंथ, अलजीरिया $54.99, अंगोला $54.99, एंटीगुआ बारबूडा, अर्जेंटाइना, आर्मीनिया, इस तरीके नाल तमाम मुल्कां च ईवन नॉर्थ अमेरिका च $53 वाला पैकेज। हुण कल मुख्यमंत्री जी ने बड़ा डिटेल च एक्सप्लेन किया कि चलाकी नाल। पहली गल तो यह आ कि सिर्फ पीटीसी ही क्यों गुरबाणी का प्रचार प्रसार करे, सब तो पहला सवाल। जे तुसी कहने फ्री टू एयर है तो फिर पीटीसी कल्ला ही क्यों करे, तो जे तुसी कहने फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तुहाडी ऐप दियां वीडियो ते तुहाडी प्राइस लिस्ट वैबसाइट ते पई है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि असी साउथ इंडिया जाने, चलो बाहरले मुल्कां दी एक बार छड्ड दो गल, किसे साउथ इंडिया जाने नॉर्थ ईस्ट जाने हैं, जे उत्थे किसे ने पवित्र गुरबाणी नू सुनना है सरवण करना है ते उहदे लई की ऑप्शन है, उत्थे ते पीटीसी नहीं चलदा, उह ते रह गया ना वांझा। ते जे साडे करोड़ां दे हिसाब नाल लोग हुण पंजाबी दुनिया दे अलग अलग कोंडियां च हो गए आ, उहनां वास्ते एक स्पैशल पैकेज लैणा पैंदा उहनां नू पीटीसी गुरबाणी वास्ते। उच ना चाह के भी कई तरह के चैनल है जिन्हों लैन वास्ते सिर्फ तो सिर्फ पीटीसी वास्ते, वो नहीं देखते तो बाकी चैनल, सिर्फ पीटीसी वास्ते उन्होंने वो पैकेज लेना पैंदा कि $54 का, कि $55 का, कि $56 का, और दुनिया भर के रेट है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अखबार की अज खबर है, और इस अखबार ने कहा, न्यूज़पेपर ने, कि श्री अकाल तख्त साहब वालों एक कमेटी बनाई गई, सब कमेटी, और उस कमेटी की जिहड़ी रिपोर्ट है वह श्री अकाल तख्त साहब से मई 2022 सबमिट कराई गई। उस रिपोर्ट के आधार से कि जिहड़ा चैनल गुरबाणी का प्रचार प्रसार का इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रखता है, वो जी वर्थ है वो पिछले 16 साल 3 करोड़ तो 1000 करोड़ तक पहुंच गई है। 1000 करोड़, ये एक फैक्ट, एक फिगर है। TRP के हिसाब न, मोनोपोली के हिसाब न, और एडवरटाइजमेंट के हिसाब न करोड़ा करोड़ा रुपया कमाया जा रहा है। तो आखिर चैनल पर आके कहते टीवी ते मेड मीडिया चे जी असं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जे तुसी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो तो पीटीसी तो अलावा फ्री टू एयर है, तो पीटीसी तो अलावा बाकी किसी चैनल पर गुरबाणी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं होंगे। और उस तो भी वड्डी गल, कल साडे बहुत ही सत्कारयोग धामी साहब जिहड़े सिख गुरद्वारा कमेटी के प्रधान है, उन्होंने आप कबूलिया मीडिया के सामने, आखे जी मुख्यमंत्री जी नूं इन्नी जल्दी की सी, असी तो सिस्टम च सुधार करन जा ही रहे सी, यानी कि तुसी मन्नदे हो कि सिस्टम च बहुत सारिया खामियां सी, तुसी मन्नदे हो कि एक चैनल द्वारा मोनोपोली दे राही दुरवरतों हो रही सी, तुसी मन्नदे हो कि गुरबाणी दे सर्वसांझी गुरबाणी जिहड़ी है उहदे सिद्धांतां दे विपरीत जाके उहनूं कमर्शलाइज कीता जा रहा सी, तुसी मन्नदे हो कि गुरबाणी नूं कंट्रोल करन दीआं कई सालां तों कोशिशां कीतीआं जा रही हैं, यह हालात है। और जिहड़े कहिंदे आ अखे जी असीं तां पंथक पार्टी हैं, और यह पंथ ते बहुत वड्डा हमला हो गया,
एक टीवी चैनल जेड़ी जिहदी एक अखबार की रिपोर्ट के आधार से जेड़ा हवाला अकाल तख्त साहब की कमेटी कहती है कि पिछले 16 साल 3 करोड़ तो 16 करोड़ रुपया वर्त होगी ते कितना कह सकते हो पंथ ते हमला जे उस चैनल की मोनोपली खत्म करने ली पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों दी भावना के हिसाब नाल एक कानून बनाया ते पंथ का हमला कितना हो गया एक चैनल नू बंद करोन ते पंथ ते हमला कितना हो गया हालात यह है तुहाडे राही मैं पंजाबियों नू दसना चाहना एक टीवी चैनल नू बचाउण वास्ते श्रोमणी अकाली दल बादल ने साडी जिहड़ी बहुत ही सुप्रीम बॉडी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हू भी दाव पे ला रखे और पिछले 3-4 दिन तो आके वार वार उस टीवी चैनल नू डिफेंड कर रहे हैं आ हालात है जिहदा कम जिस कमेटी का कम गुरुद्वारा की सांभ संभाल है उस कमेटी आके उही चैनल जिहदा 1000 करोड़ों का व्यापार है और ये रिपोर्टा कह रही हैं कि वह कह रहे जी ये पंथ ते हमला है जे किसी जंगे आजादी स्मारक च हुई करप्शन की कोई जांच हो जाती अखे जी प्रेस ते हमला है यानी कि एक परिवार की मोनोपली और टीवी चैनल नू बचाउण वास्ते पूरा पंथ दांव ते लाया जा रहा है इस तो बदकिस्मती सिखां वास्ते की हो सकती पंजाबियों वास्ते हद होगी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने एक साल पहला कहा भी अपना चैनल बनाया जाए गुरबाणी नू इस कब्जे तो छुड़ाया जाए नो कुछ नहीं होया होया कि जथेदार साहब की विदायगी कर दी गई और जो विदेश च सिख संस्थावां की अज फिक्र वाली गल जी ये है कि सिख संस्थावां की क्रेडिबिलिटी नू किस तरीके नाल एक परिवार की राजनीति एक परिवार की आर्थिक नीति एक परिवार के टीवी चैनल नू बचाउण लई किस हद तक दाते लाई जा रही है कि साडे बहुत ही सत्कारयोग धामी साहब वार वार सफाइयां दे रहे आ सफाइयां भी इत्थों तक मसंदा नू भी चंगा कहता उन्होंने पिछले दिनों हालात यह हो गए जेडे मसंदा का आम कहावत है पंजाब च नहीं दुनिया भर च वसदे पंजाबियों च कि मसंदा तो गुरुद्वारे छुड़वाए गए उस मसंदा की तारीफ कौन कर रहा है साढ़े बहुत ही सत्कारयोग धामी साहब कमेटी के प्रधान और कर क्यों रहे हैं एक परिवार की राजनीति बचाने लई उन्हां दा टीवी चैनल बचाने लई उन्हां दी लोकां दीआं भावनावां नूं खेड के कीती गई राजनीति बचाने लई इस तों वड्डा पंथ ते की खतरा हो सकता दसो बई इस तों वड्डा खतरा किहड़ा हो सकता क्या गुरबाणी नूं प्रचार प्रसार लई सारे टीवी चैनलों नूं अधिकार नहीं होने चाहिए क्या सारे ऑडियो और वीडियो नूं अधिकार नहीं होने चाहिए रेडियो वाला भी गुरबाणी सुने वीडियो वाला भी गुरबाणी सुने हाँ उहदे ते मर्यादा लागू कर दी जाए ते ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने कहा और इहनूं इंप्लीमेंट भी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने करना असी नहीं करना तो दसो फिर इस गुनाह की किया गया सो साथियों पिछले 11 साल च एक चैनल ने लगातार पैसे भी कमाए टीआरपी दे राही एडवरटाइजमेंट भी लई परिवार की राजनीति भी चमकई और गुरबाणी ते किते ना किते कंट्रोल किया जिस हद तक दुनिया भर च गुरबाणी घर घर जानी चाहिए सी उन्होंने वांझा भी रखा ये इन्होंने वड्डा जिहड़ा हैगा दोष कमाया है। सो अखीर च मैं मानयोग मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी करदा और पंजाब के लोगों को यकीन दवाने तुहाडे राही सरकार का मकसद एको ही आ कि गुरबाणी घर घर तक पहुंचे गुरबाणी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे गुरबाणी का प्रचार फ्री टू एयर होवे और जिहड़ी भी मर्यादा है श्री अकाल तख्त साहब के हिसाब न श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्ते लगावे साडा इन्ना ही मकसद है सो तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा कोई सवाल होवे तां साहब दाड़ी नूं लैके जो कल मुख्यमंत्री ने कहा उस नूं लैके माफी मंगण दा जिक्र अकाली दल कह रही कि माफी
देखो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ यह गल कही है कि गुरु साहबाना वालों जिहड़ा सिखी का सरूप बख्शिश होई आ उस सरूप दा मिसयूज नहीं करना चाहिए राजनीतिक लाहे लई उस सरूप की महत्ता समझनी चाहिए आ और जेड़े ये लोग जेड़े कहिंदे हुण पंथ ते हमला पंथक पार्टी ते हमला ये कदी पंथ तो पंजाबी पार्टी बना देंदे आ कदी सब तो वध सिखां दा कतलेआम करन वाले दोषी नूं डीजीपी ला देंदे आ ते फिर कहिंदे आ हे जी पंजाब सरकार गौरव यादव नूं डीजीपी लाउण लई हुण गौरव यादव जी ते सुमेध सैणी ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਡੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਥੀਓ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਟੂ ਏਅਰ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ